आज हम आपके साथ मौजूद हैं क्लास सिक्स के लेक्चर नंबर 17 के साथ, जिसमें आज हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है सिंपलीफाई द फॉलोइंग। कुछ पार्ट उसने आपको दिए हैं और हमने उनको क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताती जाऊँ, यू नो वेरी वेल कि जब जिस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आ जाता है तो वो ब्रैकेट के बाहर वाला साइन माइनस का उस ब्रैकेट के अंदर मौजूद वैल्यूज का साइन चेंज कर देता है। यानी कि अगर ब्रैकेट एक ब्रैकेट है उसके बाद बाहर माइनस का साइन आ रहा है और ब्रैकेट में कुछ वैल्यूज हैं, अब ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उनके जो भी साइन है चाहे वो प्लस है चाहे वो माइनस, तो वो चेंज हो जाएंगे। यानी प्लस वाली वैल्यू माइनस की हो जाएगी, माइनस वाली वैल्यू प्लस की हो जाएगी। आंसर आएगा तो करना हमने वैल्यूज को वही है ऐड या माइनस, मगर
साइन किसका आएगा? ग्रेटर वैल्यू का। अब इसमें तो कोई ग्रेटर वैल्यू है नहीं, दोनों सेम है, दोनों के साथ पैरेलल कोएफिशिएंट है, तो ये दोनों के साथ है, तो ये आपके साथ साइन माइनस टू लिखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन को रीराइट कर लें। उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर, फर्स्ट ब्रैकेट में 2 है, इसके बाद है 1 में प्लस का साइन है, इससे ये चेंज नहीं होगा, एज इट इज लिख देंगे। इस ब्रैकेट के बाद में माइनस कर देंगे, इसलिए इस ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज मौजूद हैं उनके तमाम के साइन चेंज हो जाएंगे। जिसके साथ प्लस है उसके साथ माइनस हो जाएगा, जिसके साथ माइनस है उसके साथ प्लस हो जाएगा। कब? जब ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। ब्रैकेट नहीं है, ये प्लस वाला एक्स स्क्वायर है, इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, ये माइनस का एक्स क्यूब है, इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का टू एक्स है, इस माइनस की वजह से माइनस टू एक्स हो जाएगा, ये माइनस का वन है, ये इस माइनस की वजह से प्लस। अब राइट टर्म्स क्या है? बाकी ये एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, एक्स है ये, मगर सिर्फ सेम इसमें क्या है, कोएफिशिएंट्स की कॉन्स्टेंट की टू वैल्यूज है जिनको हम सॉल्व। आप पहले इनको अरेंज करते हैं, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर फिर टू एक्स, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स की पावर वन, पहले फिर टू वन पावर, आप कॉन्स्टेंट टू प्लस, अब टू प्लस वन करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, प्लस का। ठीक है, होप्स आपको इस मजीद से अच्छे से समझ आ गई होगी। आपको दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ सिंपलीफाई करना है, जिस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है वो माइनस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम वैल्यूज के साइन को चेंज कर देगा, ये रूल है अलजेब्रा का। साथ ही मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ, वो होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 3 और 5 असाइनमेंट को, इसी तरह 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 3 और 5 पार्ट आपने होमवर्क कर दिया है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन।